हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वॉक्सवैगन की जेटा कार के बारे में। तो इस कार में जो प्रॉब्लम है, इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन DSG गियर है, तो उसमें इसकी गियर बॉक्स में गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो गाड़ी को जब मैंने चेक किया तो इसके क्लस्टर मीटर में इसकी ABS की लाइट और अपना स्टेयरिंग की लाइट ये सब कुछ ऑन है। तो वो किस रीज़न से इसमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेनली जो कस्टमर का प्रॉब्लम था वो गियर शिफ्टिंग को लेकर था, क्योंकि बार बार इसमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी हम सबसे पहले गाड़ी को करेंगे स्कैन। तो दिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फैन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं DSG ट्रांसमिशन है ये। तो चलते हैं सीधा क्लस्टर मीटर की ओर। तो आप देख सकते हैं कार को सबसे पहले कर लेते हैं स्टार्ट, और जो भी इसमें इंडिकेशन है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो कार हमारी परफेक्टली स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसमें ABS की लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल और अपना पावर स्टेयरिंग की लाइट और जो अपने हेडलाइट उसकी लाइट है, तो ये सब लाइट है इसमें ऑन है। तो इस करके ही इसमें जो ट्रांसमिशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले कार को करते हैं स्कैन, और स्कैन में जो भी DTC आएगा हम उस पर काम करेंगे। तो जाना होता है हमें यूरोपियन ब्रांड में, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे VW ग्रुप। ओके, तो आप देख सकते हैं ओके। तो गाड़ी में करेंगे सबसे पहले स्कैन। तो कस्टमर का जो मेनली प्रॉब्लम था मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो गियर शिफ्टिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। वो किस रीज़न से आ रहा था वही इसमें मेनली हम चेक करने वाले हैं। तो स्कैनर अपना कनेक्ट हो चुका है, तो चाहेंगे सीधा हम इसमें सिस्टम सिलेक्शन में, और सीधा हम इसमें करेंगे ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले जो ABS की लाइट है उसको चेक करते हैं, उसके बाद में इसमें जाएंगे हम ट्रांसमिशन में, उसमें कोड चेक करेंगे। तो अभी सीधा चलते हैं इसका ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले इसमें ABS की लाइट देखते हैं किस करके आ रही है। तो करते हैं ओके और करते हैं रीड DTC। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कोड आ रहे हैं, राइट रियल स्पीड सेंसर, इनकरेक्ट सिग्नल, लेफ्ट का फ्रंट ABS स्पीड सेंसर। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको एक बार क्लियर, और क्लियर आने के बाद में इसमें जो भी DTC कोड रहेगा उस पर हम काम करेंगे। तो क्लियर ओके यस। तो आप देख सकते हैं इसमें ये कोड रह चुका है 00287 राइट रियर व्हील स्पीड सेंसर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन सर्किट। तो अब सीधे चलते हैं बैक, और अब इसको करेंगे गियरबॉक्स को स्कैन। तो सीधा चलते हैं इसके हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक ओके रीड DTC। तो आप देख सकते हैं P1847 यानी कि रीड DTC ऑफ ABS CM। तो इसमें जो मेनली दिक्कत हमारे गियरबॉक्स में आ रही है वो ABS की वजह से आ रही है। तो इसमें जब मैंने डायग्नोस किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका एक सिंपल सा स्टेप है सेंसर को चेक करने का। तो ये पीछे का राइट का रियर व्हील स्पीड सेंसर है जो मैंने नया भी मंगा के ले लिया है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक का इसका सिंपल सा स्टेप है, आपको अपना 200K ohm पे इसको मल्टीमीटर को लेना होता है। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह की रीडिंग आती है तो अपना सेंसर यानी कि ख़राब डेथ है, यानी कि शॉर्ट हो चुका है। तो ये मैंने दोनों प्रॉब इसके लगा लिए सेंसर पर, आप देख सकते हैं 5.4 यानी कि ये सेंसर हमारा शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से। तो ये सेंसर हमारा ख़राब है। ये एक सिंपल सा स्टेप है देसी तरीका अपना चेक करने का। तो ये अपना न्यू सेंसर है, इसमें हम कंटिन्यू चेक करेंगे इसकी 200K ohm पे। तो इसको मैं लगा लेता हूँ अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, ये मैंने नया सेंसर लिया है। तो ये अपना ऑल ओके है। तो इसको फिट करने के बाद में फिर दोबारा कार्गो करेंगे स्कैन, और स्कैनिंग के दौरान जो भी इसमें क्लस्टर मीटर में लाइट आ रही थी वो आपको चेक कराएंगे। तो सेंसर अपना बिल्कुल ऑल ओके, सेंसर ख़राब था। तो जो सेंसर के ऊपर जो वायर आती है उसमें हमें करना होता है इसका वोल्टेज चेक, जो कि हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें 11.54 यानी कि हमारा 12 वोल्ट है वो कंप्लीट है, यानी कि वायरिंग अपनी ऑल ओके है। कर दो बंद। तो अब सेंसर को अच्छी तरह से इसकी जगह पर लगा लेते हैं, और लगाने के बाद में फिर दोबारा वो कार करते हैं स्कैन। तो इसमें आपको एक 5 नंबर की लंकी का बोर्ड लगाना होता है। तो ये अपना लग चुका है, तो लगा लेते हैं इसे कनेक्टर को, और फिर सीधा चलते हैं कार के अंदर की ओर, कार को करते हैं दोबारा से स्कैन। तो इसके कुछ ये थिम्बल लिए होते हैं, ये आपको अच्छे से लगा के ले लें ताकि वायर वगैरह हमारी डैमेज ना हो। तो सॉकेट हमारा प्रॉपर बैठ चुका है,
करते हैं इसके बोल्ट को टाइट फाइनली। तो अब चलते हैं कार के सीधे अंदर की ओर और कार को करते हैं दोबारा से स्कैन। तो स्कैनर हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहीं से ही इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे सिस्टम सिलेक्शन। तो सीधा चलेंगे इसमें हम ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में। तो मेनली जो इसके गियरबॉक्स में दिक्कत आ रहा था वो यानी कि अपना जो कैन कम्युनिकेशन द्वारा जो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जितने भी हैं अब आपस में लिंक रहते हैं, तो उसकी वजह से इसे मैं गियर में दिक्कत आ रहा था। तो ये कोड हम दोबारा से मैं क्लियर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कोड हमारा क्लियर हो चुका है। तो पीछे चलते हैं, जो इसका ट्रांसमिशन में जो कोड आ रहा था उसको भी एक बार क्लियर करेंगे। रीड डीडीसी, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों कोड हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो मेनली जो इसमें दिक्कत थी वो एक ABS सेंसर की वजह से इसकी गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका कैन कम्युनिकेशन जो कैन कम्युनिकेशन आपस में सारे मॉड्यूल जो लिंक होते हैं उसी की वजह से, यानी इसका जो गियरबॉक्स का मॉड्यूल था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कार को मैंने स्टार्ट कर दिया, जो इससे पहले लाइट थी ABS और स्टेयरिंग की और ट्रैक्शन कंट्रोल की वो प्रॉपर जा चुकी है, एक लाइट रह गई है। तो वो उसमें मैंने आगे इसमें चेक किया, इसकी फॉग लाइट ख़राब है, तो वो अपने वो फॉग लाइट डाल के लेनी पड़ेगी। तो एक बार दोबारा से कार को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाड़ी अपनी बिल्कुल ऑल ओके हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।